मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं ऋतिक कुमार प्लस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है दिवाली, तो हमारे ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे ओर से हैप्पी दिवाली। और मेरे ओर से आप लोगों को, जैसे कि पता था कि आप लोगों को मैं बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं दिवाली का भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो सुबह सुबह अभी देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं नहा धो के अभी फिट फाट कर लिया हूँ और से मतलब घर वगैरह भी साफ सफाई हो गया है पूरा। मम्मी के साथ सुबह से लगा हुआ था, तो नहा धो के दोस्तों तैयार हो गया हूँ। अब जाऊंगा थोड़ा देर में मार्केट, क्योंकि मार्केट जाऊंगा और मार्केट का भी आप लोगों को पूरा व्यू वगैरह दोस्तों दिखाऊंगा कि हमारा डेहरी ऑन सोन का कैसा मार्केट होता है। हर एक चीज बस ब्लॉग में बने रहे, हर एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा और कितना भीड़ वगैरह। स्टेशन रोड हम जाऊंगा तो डेहरी रेलवे स्टेशन, स्टेशन से नजदीक है, पूरा स्टेशन रोड का व्यू वगैरह आप लोगों को लूंगा और दिखाऊंगा दोस्तों। बस ब्लॉग पे बने रहे, इंजॉय करते रहे हमारे साथ। अभी तो मैं नीचे चलूंगा और आप लोगों को थोड़ा गेट वगैरह भी दिखाऊंगा, क्योंकि गेट वगैरह सुबह से मतलब कल हमने पेंट किया वगैरह, तो सब सही से मतलब कैसा लग रहा है वो आप लोग व्यू देखने के बाद बताइएगा गेट कैसा पेंट किया हूँ, क्योंकि मैंने खुद से किया हूँ तो मेरे को भी बहुत खुशहाली लग रही है और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बस तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, आप लोगों को साफ सफाई भी घर का हो गया है तो मार्केट चलेंगे, फूल वगैरह भी लाना है, फूल से सजाना है। आप लोगों को मार्केट का व्यू वगैरह सारा लेकर इसके बाद घर का सजाने के बाद भी दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा हर एक चीज व्यू। बस ब्लॉग पे बने रहे दोस्तों। अगेन आप लोग सबको हैप्पी दिवाली, बस सपोर्ट करते रहिए, खुशहाल सबको रहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको मुस्कुराने का भी मौका देते रहिए दोस्तों। तो हैप्पी दिवाली, मिलते हैं अगेन। शाम वगैरह का भी अलग से ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, हर एक चीज का एंजॉयमेंट पूरा दिखाऊंगा। बस ब्लॉग में साथ रहे, एंजॉय करते रहे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये अभी गए थे कल मार्केट से, ये वगैरह ले लिए हैं शुभ दिवाली का, और कैलेंडर वगैरह भी हम लोग मार्केट से लिए हैं। कैसा लग रहा है कैलेंडर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों देखिए आप लोग गेट का डिजाइन किस तरह लग रहा है, बहुत ही मतलब अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। बस आप लोगों को बताना है कि किस तरह मतलब अच्छा पेंट किया हूँ या नहीं। और अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी चलूंगा मार्केट, यहाँ पे फूल वगैरह लगाना है, तो हर एक चीज फूल वगैरह लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। बस बस दोस्तों ब्लॉग में साथ रहते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो चलते हैं मार्केट का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ दुर्गा मंदिर आ चुके हैं स्टेशन रोड, यहाँ स्टेशन रोड का है, बहुत ही नामी मंदिर है जो की माँ से नंबर हनुमान मंदिर है और दुर्गा जी का मंदिर है। तो हम आ चुके हैं स्टेशन में और आप मार्केट देख सकते हैं, सुबह का मार्केट है, चालू हो चुका है। देख सकते हैं फलों की दुकान पर भी भीड़ वगैरह होने लगे हैं दोस्तों। ये है डेहरी का रेलवे स्टेशन और हम आपको आगे की तरफ जाते हैं और आप लोगों को बाजार पूरा दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं भगवान जी लक्ष्मी जी गणेश जी का मूर्ति भी यहाँ पे बिक रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। ये देख सकते हैं दिवाली का मिठाई, हमारे फ्रेंड का शॉप है और यहाँ पे कैलेंडर वगैरह और सजावट का भी सामान पूरा है। दोस्तों देख सकते हैं ये है बम, एक से एक है, रॉकेट है, घिरनी है, ये देख सकते हैं एटम जो कि देहतिया बम, बहुत ही काफी बहुत ही बढ़िया। दोस्तों देख सकते हैं दिवाली की काफी यहाँ पे भीड़ वगैरह होती है, अभी तो सुबह के टाइम है। तो
दोस्तों देख सकते हैं सोनू भैया मिलिए हमारे सोनू भैया से। अरे सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा, हड़बड़ाइए मत, सब बिक जाएगा। आज दिवाली है, अभी पूरा शाम तक बचा हुआ है, शाम तक वह सारा निकल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मनसा स्वीट्स, दोस्तों देख सकते हैं काफी भीड़ वगैरह है। ये देख सकते हैं फूल का यहाँ पे होलसेल रेट, मतलब 10 रुपए पीस के हिसाब से बिक रहा है। हम भी अब यहीं से फूल वगैरह ले लेते हैं, मेरे को भी एक कुड़ी ले लेता हूँ दोस्तों। बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा फूल वगैरह है, पच्चीस रुपए पीस है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूल है, 25 रुपए पीस है। चलते हैं 10 पीस ये हम खरीद लेते हैं और इसके बाद घर की तरफ देंगे और इसके बाद सजा कर आप लोगों को घर भी दिखाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं, आप आगे बाज़ार वगैरह आप देख लीजिए, इवनिंग के टाइम आपको और भी मतलब दिखाऊंगा। यहाँ पर का बाज़ार बहुत ही बढ़िया मतलब मिलता है, क्योंकि बिना लाइटनिंग के दिवाली जो है वो सही होगा नहीं। क्या भाई देख सकते हैं, ये भी हमारे फ्रेंड का ही दुकान है, बहुत ही काफ़ी है, बम वगैरह खरीदना है तो आ सकते हैं। अंकल जी हैप्पी दिवाली, क्या कर रहे हैं, साफ सर सफाई हो रहा है। देख सकते हैं ये है स्टेशन रोड के, अरे सब खुश रहिए, सब हो जाएगा, कोई नहीं, दिवाली है, खुशी खुशी बीतेगा सबका। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको हर एक चीज का मार्केट वगैरह यहाँ पे दिखा दिया हूँ और आपको इवनिंग का भी दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं सामने है झुनझुन वाटिका, जब भी लाइटनिंग के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, जब लाइट नहीं दिखिएगा तो फिर दिवाली का मजा क्या है ना। तो आपको एक शाम का भी ब्लॉग रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद चलूंगा घर का भी आप लोगों को सजा वगैरह दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को देखे पूरा मार्केट वगैरह आप लोगों को घुमाया दोस्तों, और मार्केट में देखे इतने भैया लोग भी मतलब बोले कि हर एक का मार्केट अलग है, कोई का कोई अलग रेट बिक रहा है, तो कोई का माल भी बहुत मतलब बच गया है, कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बोले कि हर एक सब बढ़िया मतलब बिक वगैरह जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब आज स्टेशन से हम फूल वगैरह भी खरीद लिए हैं, 10 फीट जैसे कि बताया आप लोगों को, हम जाते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आगे ब्लॉग, वहाँ पर बस एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों मार्केट से फूल ले लिए हैं, अब पूजा का सामान वगैरह भी हो गया है, अब ये देख सकते हैं बहुत ही मतलब फूल वगैरह हो गया, और अलावा मिठाई वगैरह देख सकते हैं, मिठाई भी ले लिए हैं, पूजा का भी सामान ले लिए हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ, सजाते हैं, पूजा रूम भी हम सजा चुके हैं, तो बाहर अभी सजा के आप लोगों को। अभी हम लोग एक झालर भी मार्केट गए थे, तो एक झालर भी लेकर आ गए हैं जो कि 60 मीटर का है, सबसे लंबा है। दोस्तों देखते हैं ये जल रहा है कैसा, आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके बाद सजाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा। अभी मैं फूल वगैरह गेट पे थोड़ी देर भी सजा ही रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों, बस एंजॉय करते रहिए ब्लॉग, आप लोग देखते रहिए पूरा, आप लोगों को सजाने के बाद भी दिखाता हूँ। मैं देख सकते हैं कलर भी बहुत बढ़िया है, अब रात के टाइम ही पता चलेगा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी देख सकते हैं फूल वगैरह से भी बना रहे हैं हम लोग एक से फूल सजाने के लिए गेट पर। गाइस तो देख सकते हैं अभी मैंने झालर फिट कर दिया है, अब इसकी बारी है रात की, क्या जलने में कैसी लगती है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और देख सकते हैं राउंडिंग शेप में मैंने लगाया है ऐसे ऐसे राउंड राउंड गोल गोल, और नीचे की ओर देख सकते हैं अभी फूल वगैरह लगा ली है, अभी वहाँ फूल का थोड़ी और लगाना ही है दोस्तों, सजाने में भी बहुत टाइम लग गया है देख सकते हैं, राउंडिंग राउंड लग गया है। अब देखते हैं दोस्तों, अब इंतजार करते हैं रात का और कैसा जलता है और जलने में कैसा लगता है, बस ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को सारा आप लोगों को भाई दिखाते रहूँगा, ठीक है। लाइटनिंग के साथ दिखाऊंगा, इसमें आप लोगों को दिन का सारा शॉपिंग वगैरह हर एक चीज दिखा दिया दोस्तों, अब रात का आप लोगों को लाइटनिंग के साथ दिखाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, जय हिंद।